Hey guys, welcome back to my new vlog. और आज हम जा रहे हैं खुर फकात, और आज हमारे साथ शामिल हैं हमारे विकास भाई. विकास भाई जाएंगे आज हमारे साथ, और ये हमारे साथ हैं मिस्टर हसन, हसन भाई. ये हमारे मुबशिर भाई. और यहाँ से जो खुर फकान की डेस्टिनेशन है 236 के आसपास किलोमीटर है, और अराउंड 3 आवर हमें लग जाए. सो गाइस, दिस इज आवर डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनेशन आवर 36 मिनट. हियर वी गो. तो हमारी जर्नी हो गई है शुरू. अब बाकी आप टाइम लैप्स एंजॉय करें. अभी हमने 200 किलोमीटर पार कर लिया है, तो अभी 100 किलोमीटर बचा है यहाँ से. और अभी थोड़ा रेस्ट लिया है, कमर सीधी वगैरह करी है. अभी यहाँ से हमें सीधा जाना है. ये गाड़ी है अपनी, विकास भाई हमारे साथ, हसन भाई. अभी थोड़ा सीट चेंज कर रहे हैं. परेशान हो गए थे पीछे बैठ बैठ के. पीछे बैठ बैठ के जो पूरी वाइब्स है, पूरी लद्दाख वाली वाइब्स है, जैसे लद्दाख में जा रहे हैं. बट रोड्स बहुत अच्छी हैं. अभी हमारी गाड़ी स्ट्रगल कर रही है थोड़ी, ऑटोमेटिक गाड़ी है. अभी पूरी चढ़ाई है. इधर की चढ़ाई कैसी है, बिल्कुल ऐसे एलिवेटेड है पूरी, तो मतलब दिखने में पता नहीं लग रहा है, बट अच्छी खासी हाइट पर जा रहे हैं हम लोग. तो अभी GPS वगैरह सब चला गया है मोबाइल का, पता नहीं किधर जा रहे हैं हम. चले जा रहे हैं बस. बेड़ू शायद ना करो. अभी किधर जाएगा बेड़ू, किधर जाएगा. तो यार टनल आ गया है, टनल दिखाते हैं आपको. ये आ गया टनल. अरे वो टनल में आप 100 की स्पीड रख सकते तो गाइस पहुंच गए हम खुर फकान, और कुछ इस तरह का है. देखिए पूरा पहाड़ है इधर आसपास, पूरा पहाड़ है. और अभी यार गर्मी इतनी हो गई है, तो हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले नहा के आए. बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे पूरी वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही हैं, तो देखेंगे. बाकी जो समंदर है बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से. तो यार आबू धाबी का, दुबई का बीच सारे फेल. इधर का जो बीच है बहुत सही है, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है. मैं दिखाता हूँ आपको, ये चेक करें आप. वो रहा पहाड़, ये रहा बीच, और इस तरह पूरा पोर्ट का इनका अपना है. देखो कितना सही सीन लग रहा है यार. मतलब ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा कि पहाड़ों के किनारे पे समुंदर और बीच. और गर्मी इतनी है आप सोच भी नहीं सकते. हम पूरे पसीने से भीग गए अभी. अगर नहीं नहाएंगे तो काम नहीं चलेगा ऐसे. भाई लोग आ गए अपने. कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा लग रहा है. कैसा है? व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू. तो यार अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, तो थोड़ा कूल डाउन होते हैं और नहाते हैं. अभी करते हैं चेंज वगैरह, करते हैं अब. तो अब चेंज करते हैं फटाफट, और कैमरा सेटअप जो भी है पूरा, ये कैमरा को अभी मैं वाटर प्रूफ में डालता हूँ, फिर आपको शॉर्ट्स दिखाते हैं. नहा धो के आ गए हैं, अभी पूरे फ्रेश हो गए. आते हुए 2 घंटे लग गए और काफ़ी थक गए थे, कि भीड़ वगैरह कुछ भी नहीं थी. और हमें एक एडवांटेज मिल गया कि फैमिली वाली साइड पे मिला, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी थी उधर पे. थोड़ा कोऑपरेट कर दिया. हाँ,
तो अभी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, अब जाते हैं और खाना वगैरह खाते हैं। तो ये जो एरिया है पूरा बीच के इस तरफ का एरिया है, और यहाँ पे जितने भी ये सारे के सारे फूड कोर्ट वगैरह है, तो शाम के टाइम इधर पे बड़ी ज़बरदस्त मतलब पूरा माहौल एकदम अच्छा रहता होगा। बट इवनिंग में तो हम रहेंगे नहीं इधर पे, हम लोग चले जाएंगे क्योंकि काफ़ी दूर से आए हैं अभी, तो 2.5 घंटा हमने और वापस जाना है। तो काफ़ी अच्छी जगह है, आसपास पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। तो अभी आए हम खुर फकान रेस्टोरेंट, अरेबिक रेस्टोरेंट है, अभी वहाँ से खाना वाना खाएँगे। गाड़ी कर दी है पार्क, ये है खुर फकान रेस्टोरेंट। तो अभी थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट चेंज किया है, अरे अच्छी है, अंदर जरा सीट मिली है, कूलिंग करते हुए उन्होंने चेंज कर दी इधर, कूलिंग अच्छी, बाहर थोड़ी कूलिंग कम थी तो हमने सीट चेंज कर दी। वैसे हमने स्टार्टर ख़त्म कर चुके हैं और ये जो पार्टी है हमारी मुबशर साहब की तरफ से है, बिल्कुल इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। पॉकेट से पैसे जा रहा है, किसी की पॉकेट से ही जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, दिल के बहुत बड़े हैं मुबशर साहब, इसीलिए परेशान सा लग रहा हूँ थोड़े से, देखिए जा इसीलिए थोड़ा परेशान। बताना भूल गया मैं, खुर फकान रेस्टोरेंट है ये, और ये 1982 से है ये रेस्टोरेंट, तो देखेंगे इसका जायका कैसा है। तो यार खाने में आ गए हैं, इधर आया है कढ़ाई चिकन, चिकन चारकोल, रोटी, हमस मेरा फेवरेट, और खपोस। तो भाई खा लिया खाना और सब फुल हो गए, खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं पूरा खाली। और अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो आप ज़रूर आए खुर पकान रेस्टोरेंट का, खाना बहुत अच्छा है इनका, बाकी फुल मज़े आ गए, जाने का मन नहीं कर रहा है। ये जो बिल भर रहे हैं उसका चेहरा देखिए आप। तो यार चलते हैं फिर, अब जाएंगे वाटरफॉल इधर से और दिखाते हैं आपको नज़ारे उधर के। तो यार अभी आ गए हैं वाटरफॉल में, इधर के वाटरफॉल, तो इन्होंने एक वाटरफॉल बनाया है आर्टिफिशियल, जिसको देख के आप कह नहीं सकते कि ये वाटरफॉल आर्टिफिशियल है। आवाज़ आ रही है आपको वाटरफॉल की, दिखाते हैं आपको, ये चेक करें, इधर से पाइप ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर से पानी छोड़ रहे हैं, मतलब कौन बोलेगा इसको कि ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल नहीं है। तो यार अभी बोटिंग के लिए जाएंगे, तो काफ़ी सस्ते में डील मिल गई बोटिंग की, अभी यहाँ से जाएंगे और उधर कहीं आइलैंड है उसका एक चक्कर लगा के, तो एक्सपीरियंस करते हैं कैसा है। तो यार वो बोट है उधर, अभी बोट पे जाएंगे, तो पहली बार बैठ रहा हूँ बोट में, कुमार ने तो सही है, हम कैसे चढ़े, तो भाई आज हमें भाई राइड करवाएंगे, पायलट। तो वीडियो बना लो, वीडियो तो यार आ गए हैं बोट में, और भाई बड़ा ज़बरदस्त है, तो लाइफ में पहली बार बैठ रहा हूँ मैं ऐसी बोट पे, और भाई नेक्स्ट लेवल। जनाब ने उड़ा दी बोट।
हालत खराब था यार बीच में तो बहुत ज्यादा मजा आ गया, लेकिन यार एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल मजा आ गया। जो स्पीड में पहुंचाया उड़ाया भाई ने मजा आ गया। भाई आपका नाम क्या है? फारूक भाई का नाम है क्या? फारूक महरूफ। महरूफ भाई ने पूरा चलाया है बोर्ड, बड़ा चलाया नहीं उड़ाया है लेकिन मजा आ गया। तो यही है वो कंट्रोल जहाँ से इस बोर्ड को उड़ाया गया है कैसा रहा फिर एक्सपीरियंस भाई? यार पायलट केबिन तो देखिए ना कैसा रहा भाई एक्सपीरियंस, कैसा रहा? जबरदस्त। यार आज का दिन बहुत ही अच्छा गया। हम लोग आज गए फुरफकान और वहाँ पे हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ करी और काफ़ी मज़ा आया, और हमारे मुबशिर भाई को भी काफ़ी मज़ा आया गाड़ी चलाने में। बहुत कितना किलोमीटर? 700-800 किलोमीटर हो गया। 600-700 किलोमीटर, तो 600-700 किलोमीटर फुल ड्राइव करा है जी जी। और हमारे साथ विकास भाई, कैसा लगा विकास भाई आपको फिर? बहुत अच्छा लगा, तो काफ़ी मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करें बताएं राजन भाई इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, बस ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और भी हम इस तरह घूमेंगे और वीडियोस लाते रहेंगे। तो गाइस ओके बाय।